Hi everyone, this is Vaishali Bhoir and today I'm here at the Nature's Basket Bandra Bench. First of all, thank you so much Nature Basket for giving me this opportunity जहाँ पे मैं यहाँ पे आई हूँ और जो हेल्दी ऑप्शंस डाइट के हैं मैं यहाँ पे शेयर करना चाह रही हूँ. थैंक यू सो मच नेचर बास्केट फॉर दैट. एंड नेचर बास्केट का मुझे इंट्रोडक्शन देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आप सभी को. जहाँ पे यू नो बात आती है हेल्दी गुरमे ऑप्शन की, नेचर बास्केट इज़ वन ऑफ द यू नो बेस्ट ऑप्शन. मुझे पता है, मेरे एक्सपीरियंस में आपको बताती हूँ कि जब भी मुझे वर्ल्ड की बेस्ट टू बेस्ट हेल्दी ऑप्शंस मुझे चाहिए रहती है तो नेचर बास्केट में आती हूँ. एंड दे हैव अमेजिंग यू नो रेंज ऑफ वेजिटेबल फ्रूट्स, ग्रेट रेंज ऑफ वाइन एज वेल. सो आज मैं यहाँ पे तीन रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी. जनरली लोग मुझे पूछते हैं कि डाइट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट रहता है, सो यू नो डाइट को हम किस तरह से यू नो यमी भी होना चाहिए और एट द सेम टाइम वो लाइफस्टाइल हम कैरी कर सके. लोगों को हमेशा बॉइल्ड फूड, बॉइल एग, बॉइल चिकन यू नो खाना नहीं होता है. सो इसीलिए मैं आज मेरी सीक्रेट रेसिपीज़ जो है जो आप यू नो लाइफस्टाइल यू नो फॉलो कर सकते हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं ब्रेकफास्ट में क्या खा सकते हैं ये मैं शेयर करने जा रही हूँ. जनरली ब्रेकफास्ट यू नो ऐसा होना चाहिए बिकॉज ये दिन का फर्स्ट मील है. सो ब्रेकफास्ट आपका बहुत ही कलरफुल यू नो वाइब्रेंट, बहुत ही हेल्दी होना चाहिए, न्यूट्रिशियस होना चाहिए, लो कैलोरीज, लो शुगर में होना चाहिए ताकि आपका पूरा दिन जो है बहुत अच्छे से जाना चाहिए, फ्रेश फील होना चाहिए बेसिकली. सो आज मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ यू नो टोस्ट एंड एग वाइट एंड सम फ्रूट्स. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम ब्रेड टोस्ट करने के लिए रखेंगे. दो स्लाइसेस हम लेंगे यहाँ पे. ओके एंड देन मैं मेरे ब्रेकफास्ट में तीन वाइट एग एंड एक फुल एग लेती हूँ. येलो जनरली लोगों का कहना ये है कि एग येलो यू नो नहीं खाते हैं, बट एग येलो में ओमेगा 3 है, वो बहुत हेल्दी है और हेल्दी फैट्स है उसमें, तो वो हमें खाना चाहिए. एग सेपरेटर मैंने लिया है यहाँ पे और जो एग वाइट है मैं इसमें सेपरेट करके लूँगी. सो लेट्स डू दिस. आपका जो ब्रेकफास्ट है वो हमेशा लो इन शुगर होना चाहिए क्योंकि अगर आप फर्स्ट मील में शुगर लेते हैं तो आपका इंसुलिन जो है वो स्पाइक होता है और इंसुलिन स्पाइक होने की वजह से आपकी शुगर की वजह से आपकी एनर्जी हाई हो जाएगी बट एट द सेम टाइम आपको क्रैश फील होगा. सो आप टेम्प्ट होंगे कि आप थोड़ी देर में आप यू नो कुछ स्नैक्स खाने का मन करेगा आपको जो आपके डाइट में प्लान नहीं है. सो इसके लिए आपका जो ब्रेकफास्ट है वो हमेशा फ्रेश और लो इन शुगर होना चाहिए. और एक लेते हैं. सो यहां पे मैंने तीन व्हाइट एग लिए हैं और एक मैं येलो ऐड करने जा रही हूं. जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा ब्रेड ऑलमोस्ट टोस्ट होके हुआ है, ये साइड में कर देते हैं हम. और यहाँ पे मैं स्प्रे ऑयल यूज़ कर रही हूँ जो आपको नेचर बास्केट में अवेलेबल मिलेगा. जनरली यू नो ऑयल इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. सो स्प्रे से आप अगर आप यू नो स्प्रे कर रहे हो पैन में तो कम से कम ऑयल आपके खाने में यूज़ होगा. सो यूज़ दिस ऑयल. सेट एंड पैन हमारा अभी भी हीट हो रहा है. सो तब तक हम ब्रेड निकाल के लेंगे हमारा एंड
इस पे हम प्लेस करेंगे अवोकाडो, फ्रेश अवोकाडो जो आपको नेचर बास्केट में इजीली अवेलेबल मिलेगा। ओके एंड जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा पैन हीट हो गया है और एग हम इसमें पोर करेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर हम इसमें ऐड करेंगे। लिटिल बिट ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर आपको वेट लॉस करने में भी हेल्प करता है। इसे हम करेंगे स्क्रैम्बल। ये बहुत अच्छे से टेक्सचर आ रहा है, आप देख सकते हैं। ओ, मैंने तो आपको मेरे बारे में बोलना भूल ही गई। सो मैं एक प्रोफेशनल बिकनी कॉम्पिटिटर हूँ इंडिया से, और मैंने इंडिया को भी इंटरनेशनल स्टेज पे रिप्रेजेंट किया है। इट इज़ टू वर्ड्स लिटिल बॉडी बिल्डिंग। सो यू नो, हमारे लिए हेल्दी खाना खाना बहुत ही ज़रूरी है। इट्स बीन 3 ईयर्स आई एम इनटू फिटनेस इंडस्ट्री, पर आज की जो सिचुएशन है बिकॉज ऑफ कोविड, हम सभी को हेल्दी खाना खाना और एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलमोस्ट हमारा एग जो है बनके रेडी है। ओके, इसे हम प्लेट में निकाल के लेंगे। ओके एंड देन Some more avocados. Okay, and some fruits as well. तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि ब्रेकफास्ट में लो शुगर होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपको नेचुरल शुगर जो आपको फ्रूट से मिलती है वो लेना बहुत ही ज़रूरी है। सो यहाँ पे मैं ले रही हूँ पोमेग्रेनेट, कीवी, ओके एंड there we go, our breakfast is ready, so you can have a close look as well. Moving to our next dish is smoothie. So हम सभी को you know smoothie, shake ये सब खाना बहुत ही पसंद है। So अभी हम smoothie बनाएंगे। Breakfast हम side में रखते हैं यहाँ पे, and smoothie के लिए हमें लगेंगे banana, half banana लेंगे हम यहाँ पे। सो ब्रेकफास्ट में आप बनाना ले सकते हैं, इज गुड इन पोटेशियम। जिनको वेट गेन करना है वो बनाना ले सकते हैं, और उनको वेट, जिनको वेट लूज करना है, जो यू नो फैट लॉस पे जिनका फोकस है,
वो बनाना नहीं ले सकते हैं, आप वाटरमेलन भी ले सकते हो, ब्लूबेरीज ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छे हैं। अभी स्मूदी बनाने के लिए हम लेंगे हाफ बनाना, सम ब्लूबेरीज, बनाना को हम चॉप करके लेंगे, ये फ्रेश ब्लूबेरीज मैंने लिए हैं, आपको नेचर बास्केट में ये अवेलेबल मिलेंगे। सम एवोकाडो मैं उसमें ऐड कर रही हूँ, एंड देन इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आलमंड मिल्क। सो जनरली आप अगर आलमंड मिल्क भी आप नॉर्मल मिल्क भी ले सकते हो, बट आलमंड मिल्क जो है लो कैलोरीज में आता है, डेयरी फ्री है, सो आप उसे यूज़ कर सकते हो। इसे मैं जो नॉन फ्लेवर एपिगामे का जो योगर्ट है वो मैं ऐड करने जा रही हूँ इसमें। एंड दैट्स इट। इसे हल्के स्पीड पे, लाइक नॉर्मल स्पीड पे हम ब्लेंड करेंगे। एंड लेट्स चेक इट आउट। एक बार स्टर करके देखना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज हमने इसमें एवोकाडो ऐड किया है, सो मे बी देयर बी थिकनेस, सो आपको स्टर करके एक बार देखना चाहिए। ओके, सो इन बिटवीन योर मील यू ऑलवेज फील हंग्री, और आप हमेशा टेम्प्ट हो जाते हैं अनहेल्दी फूड खाने का, सो ये बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव ऑप्शन है कि आप हेल्दी स्मूदी बना के पी सकते हो। ओके, और ओके, सो ये हमारा स्मूदी जो है बन के रेडी है। This is one of the most my favorite and healthy option. Cheers. Okay, so इसे हम साइड में रखेंगे और अब हम हमारी नेक्स्ट जो मेन कोर्स है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे, और मेन कोर्स में हम जो बनाने वाले हैं सालमन एंड स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो के बहुत सारे हेल्दी रीज़न है, उसके अपने एक हेल्दी रीजन्स है, और सालमन आप सभी को पता है कि हेल्दी फैट्स है उसमें, और हाई प्रोटीन है, सो हम आज सालमन बनाने वाले हैं, और उसके साथ कार्ब्स में हम स्वीट पोटैटो लेने वाले हैं और सैलड में लेने वाले। सो एक कंप्लीट मील होने के लिए उसमें प्रोटीन होना ज़रूरी है, फाइबर होना ज़रूरी है, और कार्ब्स होना ज़रूरी है। सो हम तीनों चीज़ें एक मेन कोर्स में अभी ऐड करने वाले हैं, और मैं बताऊंगी आपको किस तरह से ये मील बनेगी। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम सालमन लेते हैं, और सालमन बनाने के लिए हम उसमें पहले तो ड्रेसिंग तैयार करेंगे, और ड्रेसिंग तैयार करने के लिए हमें लगेगा मस्टर्ड, लेमन जूस एंड ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट। सो लेट्स गो।
एक बॉल में हम मस्टर्ड लेंगे, लेट मी टेल यू दैट सालमन खाने से आपकी स्किन भी बहुत इम्प्रूव होती है। इसमें हम पिंक सॉल्ट, हिमालयस पिंक सॉल्ट ऐड करेंगे। ब्लैक पेपर एंड सम लेमन। ओके, हाफ अ लेमन इज मोर देन इनफ। एंड देन लिटिल बिट ऑलिव ऑयल। इसे हम अच्छे से मिक्स करके लेंगे। जनरली मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि उन्हें फैट लॉस करना है और या वेट गेन करना है या मसल मेंटेन करना है। सो सभी के लिए सेम डाइट वर्क नहीं होता है, हर एक बॉडी के लिए, हर एक यू नो हर एक गोल के हिसाब से उन्हें अलग अलग डाइट फॉलो करना पड़ता है। सो जनरली मुझे लोग पूछते हैं कि आप क्या खाते हो वही डाइट हमें दे दो, बट ऐसा नहीं है। यू नो माई डाइट इज़ अकॉर्डिंग टू माई गोल। सो इसी के लिए अगर एक टिप्स मैं आपको देना चाहूँगी, तो अगर आपको यू नो मसल मास आपका जो है वो मेंटेन करना है, तो आपको हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करना चाहिए, हाई प्रोटीन, लो कार्ब एंड हाई फाइबर। और अगर आपका अगर आपको फैट लॉस करना है, तो आपको लो कार्ब्स, यू नो लो प्रोटीन एंड हाई फाइबर जो है वो आपको आपके डाइट में ऐड करना चाहिए। आपको बहुत सारे, अगर आपका गोल फैट लॉस है, तो अगर तो आपको बहुत सारे वेजीज खाना है। वेजीज इसके लिए खाना है बिकॉज वेजीज में बहुत कम कैलोरीज रहती है, और एट द सेम टाइम आपको यू नो हमेशा वो आपको टमी में फिलर वाली फीलिंग जो है वो देगा, और आपको बहुत कम खाने की क्रेविंग आएगी। सो इसके लिए आपके जो डाइट में है, आप बहुत सारे वेजीज ऐड कीजिए। सो ये मैं सॉस बना रही हूँ, इंस्टेड ऑफ यू नो हैविंग प्लेन सालमन, ये मैं सॉस बना रही हूँ, बैटर बना रही हूँ, ताकि मैं इसे एटलीस्ट 10 टू 15 मिनट्स तक सालमन को लगा के रखूँगी। ओके, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी मैं ये सालमन को जो है हमारे मैरिनेट करके रखूँगी एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स। ओके, सो ये फ्रेश सालमन मैंने लिया है नेचर बास्केट से, जो आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। ओके, दो पीस में मैंने ये काट के लिया, बिकॉज फ्लिप करने में बहुत आसानी हो जाएगी मुझे। और ये जो मैंने सॉस बनाया है, मैं इसमें पोर करूँगी ये। और मैं ये से अच्छे से मिक्स करके लूंगी अभी। ओके, एटलीस्ट 10 टू 15 मिनट्स तक मैं इसे छोड़ दूंगी, एंड तब तक हम हमारा जो स्वीट पोटैटो है, इसे हम यू नो टोस्टर में टोस्ट करके लेंगे। सो मेरे केस में ऐसा हो जाता है कि आई एम इनटू बॉडी बिल्डिंग, सो मुझे उतना टाइम नहीं मिलता है। दिन में मुझे एटलीस्ट
5 to 6 मील्स खाने पड़ते हैं. सो मुझे हर एक मील फ्रेश बनाने में उतना टाइम नहीं मिलता है. तो इसके लिए मैं इजी एंड क्विक गो रेसिपीज हमेशा एक्सप्लोर करती रहती हूँ, हैक्स बनाती रहती हूँ. सो जनरली हम टोस्टर में सिर्फ टोस्ट करते हैं, ब्रेड को टोस्ट करते हैं. सो मेरे कोच ने मुझे बताया है कि मुझे स्वीट पोटैटोज खाने चाहिए, मेरे डाइट में स्वीट पोटैटोज ऐड होने चाहिए. सो हर बार स्वीट पोटैटोज बॉइल करना, उन्हें कुक करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है. इसके लिए मैंने स्वीट पोटैटोज के कुछ बड़े बड़े पीसेस लिए हैं और कुछ इस तरह से उन्हें ब्रेड के स्लाइसेस में मैंने काटे हैं. और इसे मैं जिस तरह से हम ब्रेड टोस्ट करते हैं टोस्टर में, उसी तरह से हम इनसे टोस्ट करेंगे. ये लाइक 10 to 15 मिनट्स में ये दो बार फ्लिप करने से बहुत ईजिली कुक हो जाता है, आसानी से कुक हो जाता है और इसमें ऑयल की भी ज़रूरत नहीं है और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी बनता है. सो इसे मैं अभी टोस्टर में डालूंगी. और मीडियम फ्लेम पे हम इसे रखेंगे. तब तक जब तक हमारा स्वीट पोटैटो बन रहा है और सालमन मैरिनेट हो रहा है, तब तक हम सैलेड की, जो मैंने सैलेड की बात की, आपके डाइट में वेजिटेबल्स ऐड होने चाहिए, वो सैलेड की मैंने जो बात की थी वो हम बनाना स्टार्ट कर देते हैं. सो यस, लेट्स गो. Can I have one ball, please? One big ball, please. आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी जाके देख सकते हैं कि दैट आई एम इनटू बॉडी बिल्डिंग. और बहुत सारे मुझे कमेंट और मैसेजेस भी आते हैं कि लड़कियाँ जनरली बॉडी बिल्डिंग में नहीं होती है इंडिया से. सो मुझे लड़कियों को वही बोलना चाहूँगी और यही मैसेज देना चाहूँगी. जनरली फैमिली की तरफ से इतना सपोर्ट नहीं होता है बॉडी बिल्डिंग के लिए, क्योंकि उनका कहना ऐसे है कि लड़कियाँ बॉडी बिल्डिंग करेंगे तो वो थोड़ी मैनली दिखना स्टार्ट हो जाएगी या उनके फीचर्स थोड़े चेंज हो जाएंगे. बट ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर आप राइट गाइडेंस से, राइट कोच से अगर आप नॉलेज लेते हैं तो आपको वो अच्छे से गाइड करेंगे आपके डाइट के बारे में, आपके वर्कआउट के बारे में. एट द सेम टाइम आपका न्यूट्रिशन जो है वो प्रॉपर रहेगा. और उसे इट्स बीन अ 3 years, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इट्स बीन अ 3 years आई एम इन टू बॉडी बिल्डिंग एंड आई डोंट थिंक सो किसी भी एंगल से मैं मैनली दिख रही हूँ यहाँ पे. सो बहुत ही ये स्टार्टिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपको कोच लेना बहुत ही ज़रूरी है. अगर आपको नॉलेज नहीं है किसी चीज़ का, बॉडी बिल्डिंग या न्यूट्रिशन या जो भी है, किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है, तो आपको कोच की मदद लेना बहुत ही ज़रूरी है इन स्टार्टिंग पॉइंट. थैंक यू सो मच. सो ये सैलड के लिए मैंने एक बाउल लिया है. इसमें मैं वेजिटेबल्स ले रही हूँ. ये मेरे लाइकिंग के हिसाब से मुझे जो वेजिटेबल्स अच्छे लगते हैं वो मैंने ऐड किए. आप कोई भी ग्रीन लेफीज, कोई भी ग्रीन वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं जो आपको पसंद है. वन बाय वन मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ वेजेस. इसमें मैं ऐड करूंगी 1/2 lemon. सो मैंने लिया है कुकुम्बर लिया है, टोमेटोज लिए है एंड देन लेट्यूज लिए है. ओके एंड देन लिटिल बिट पिंक सॉल्ट. Some black pepper as well. हमारा स्वीट पोटैटो जो है वो रेडी हो गया है और हम देखेंगे अभी कि ये
One second. So, इसे एक बार जबकि आप देख सकते हैं कि स्वीट पोटैटो की जो थिकनेस है वो थोड़ी हेवी है, सो इसके लिए एक बार हम इसमें रखेंगे और फ्लिप करके रखेंगे. ओके. सो आप देख सकते हैं हमारा सैलड बहुत ही फ्रेश और यमी दिख रहा है. सैलड में मैंने लेमन जूस थोड़ा सा ऐड किया है जो बहुत ही अच्छी एक खटास क्रिएट करेगा. ओके. 10-15 मिनट्स हमारे सालमन को जो हमने मैरिनेट करने के लिए रखा था वो ऑलमोस्ट 10-15 मिनट्स हो गए हैं और इसे हम अभी कुक करना स्टार्ट कर देते हैं. जैसे कि मैंने आपको बोला कि वेजिटेबल्स इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, टू मच ऑयल इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, तो इसके लिए हम स्प्रे यूज़ कर रहे हैं जो आपको नेचर बास्केट में अवेलेबल मिलेगा. सो सालमन जो है हमारा हम मीडियम आँच पे कुक करेंगे यहाँ पे. Any other, you can use bass. You're talking about fish, right? Yes. You can use basa, you can use tilapia. Tilapia is very good source of protein. So, aap tilapia bhi le sakte ho. Okay. So, let it heat our pan. So if you have any questions guys, please feel free ask me. और जो हमारा स्वीट पोटैटो है वो बन के रेडी है एंड इसे हम निकाल के लेंगे. सालमन को आपको हमेशा लो फ्लेम पे ही कुक करना है, अदरवाइज उसके जलने के चांसेस बहुत हाई है. और जो बचा हुआ बैटर जो है हम इस पे ऐड करेंगे. सो डाइट इस तरह से होना चाहिए. जनरली मुझे बहुत सारे डीएम्स आते हैं स्पेशली लड़कियों के कि डाइट इस तरह वो डाइट फॉलो नहीं कर पाते हैं. एटलीस्ट एक वीक तक, दो वीक तक फॉलो करते हैं, उसके बाद उन्हें कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल होता है. सो डाइट इस तरह से होना चाहिए कि आप लाइफ टाइम उसे फॉलो करते, क्योंकि मैंने देखा है कि बॉयल्ड चिकन और जो माइल्ड फूड है वो हमेशा खाना बहुत आसान नहीं है. जनरली इंडियंस के लिए, बिकॉज हमारे घर में हमेशा स्पाइसी फूड बनता है, यमी फूड बनता है, मॉम के हाथ का बहुत ही लजीज खाना बनता है. सो हमारे लिए डाइट फूड कंटिन्यू करना आसान नहीं होता है, बिकॉज हमारे सामने ही हमारी दूसरी फैमिली जो है वो यमी फूड खाते हैं. सो डाइट को इस तरह से बैलेंस करो कि वो हेल्दी भी हो एट द सेम टाइम यमी भी हो. सो इसी के तरह से अगर आप देखेंगे ये सालमन जो है मैंने उसमें ड्रेसिंग ऐड की है, उसमें लेमन जूस डाला है, उसमें मस्टर्ड डाला है. सो वो एक अलग ही एक फ्लेवर क्रिएट करेगा जो आपको बोर नहीं होगा बेसिकली खाने में. लेट्स सी. और
बहुत ही यू नो केयरफुली आपको सालमन को फ्लिप करना है यहाँ पे। ओके आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग और यू नो जो स्किन कलर है जो टेक्सचर आया है कितना अमेजिंग आया है। आपको कोई भी फिटनेस रिलेटेड या वर्कआउट रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन से आप मुझे पूछ सकते हैं, तब तक हमारा सालमन भी बन रहा है। और यू नो लड़कियों को कौन से एक्सरसाइज करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन से एक्सरसाइज करने चाहिए या उन्हें कम्प्लीटली ब्रेक लेना चाहिए, जो भी आपको क्वेश्चन से आप डेफिनेटली मुझे पूछ सकते हो। जनरली मुझे डीएम्स आते हैं कि यू नो उन्हें सिक्स पैक्स चाहिए, या उन्हें लड़कियों के डीएम्स आते हैं उन्हें फ्लैट टमी चाहिए, उन्हें अच्छे क्लोथ्स पहनना है। सो मुझे जो यू नो मिथ है या जो मिसकंसेप्शन है एब्स और फ्लैट टमी के, मैं आपको जब तक हमारा सालमन बन रहा है मैं ये क्लियर करना चाहूँगी। सो आपका बॉडी का फैट अगर आप लो रखते हो तो अपने आप सभी को यू नो एब्स है, मुझे भी एब्स है, आपको भी एब्स है, बट एक ही है कि वो एक फैट के लेयर के अंदर है। अगर आप बॉडी का फैट लोअर में रखते हैं, कम रखते हैं, तो आपके एब्स जो है अपने आप उभर के आएंगे। अगर आप बोलोगे कि ओके मैं डाइट नहीं करूँगा, सिर्फ जिम में जाके सिर्फ क्रंचेज मारूंगा, सिर्फ एब वर्कआउट करूँगा और घर पर जाके जो भी है अनहेल्दी फूड खाऊँगा, तो वो आप कितना भी सालों साल अगर मेहनत करोगे तो भी आपके एब्स नहीं आएंगे जब तक आप प्रॉपर डाइट और प्रॉपर हेल्दी खाना और प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं फॉलो करते हो। सो ऐप यही है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि आप सभी को ऐप्स है, मुझे भी ऐप है, सभी को ऐप्स है, बट यही कहना चाहूँगी कि आपको बॉडी का फैट जब आप लो रखते हो तभी आपके ऐप्स और आपकी फ्लैट टमी आपको देखने मिलेगी या महसूस करने मिलेगी। थोड़ा कॉन्शियस आप बाहर जाते हो तो थोड़ा सा यू नो मॉल्स में जाते हो या जहाँ पे भी जाते हो, हाँ फैमिली फंक्शन में, सो थोड़ा कॉन्शियस होके अगर आप फूड चूज़ करोगे सो वो बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। आपको इमिडिएटली उस चीज़ के रिजल्ट नहीं मिलेंगे, आपको लगेगा ओके मैंने 10 डेज मैंने हेल्दी खाना खाया या 15 डेज हेल्दी खाना खाया मुझे रिजल्ट नहीं दिखा, बट वही है कि लाइफ जो यू नो हेल्दी अगर दिखना है आपको तो आपको लाइफ टाइम हेल्दी ऑप्शंस आपको ढूंढने पड़ेंगे। और नेचर बास्केट तो आपको सभी को पता है, मुझे आपको उसकी इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी हेल्दी ऑप्शन, जो भी ग्रोसरीज चाहिए वर्ल्ड वाइड, जितने भी ऑप्शंस आपको यू नो चाहिए आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। ऑल राइट सालमन को आप कुक करते वक्त आप अच्छे से उसको सारी जगह सब जगह से फ्लिप करना ज़रूरी है। ऑलमोस्ट बन रहा है, आई थिंक वी नीड मोर 5 मिनट्स। Guys, come on, I'm waiting for all your questions, healthy related questions. Please ask me, feel free if you have any questions regarding exercise, regarding healthy food, anything. Any juice you recommend for flat tummy? जूस मैं रेकमेंड नहीं करूँगी यहाँ पे, बिकॉज जूस में हाई शुगर रहता है और बेसिकली आप
ग्रीन एप्पल ले सकते हो, ग्रीन एप्पल जूस ले सकते हो, उसमें बहुत ही कम कैलोरीज रहती है, बहुत ही कम शुगर रहती है उसमें. सो आप ग्रीन एप्पल ले सकते हो. बट अदर देन दैट, एनी फ्रूट, जनरली लोगों का अगेन ये मिसकंसेप्शन है कि आप फ्रूट खाओगे तो आप यू नो वेट लॉस करोगे, बट ऐसा नहीं है. फ्रूट्स भी बहुत ही उसमें बहुत कैलोरीज रहती है, बहुत शुगर रहता है. ऑफ कोर्स नेचुरल शुगर रहता है, बट आपके बॉडी के लिए उतना रिक्वायरमेंट नहीं है जितना आप चाहते हो. सो एक लिमिट में आप यू नो फ्रूट्स खा सकते हो, जैसे मैंने आपको बोला, आप बनाना खा सकते हो, आप ग्रीन एप्पल खा सकते हो, बहुत ही हेल्दी है, आप ब्लूबेरीज खा सकते हो. बट अदर देन दैट आप बोलोगे आप पाइनएप्पल खाओगे, आप वाटरमेलन खाओगे एंड स्ट्रॉबेरीज, दे आर वेरी हाई इन शुगर, सो ट्राई टू अवॉइड देम. ओके, और जैसे कि आप देख सकते हो कि सालमन जो है हमारा बनके रेडी है, एंड देन मैं इसे यू नो निकाल के लूँगी अभी. बट उससे पहले लेट्यूस नहीं है. ओके, यस, जैगरी, या यू कैन हैव जैगरी, बट एट द सेम टाइम यही है कि जैगरी के एक अलग ही बेनिफिट है. और बट मैं ये नहीं कहूँगी कि इंस्टेड ऑफ शुगर आप जैगरी ले रहे तो आपका वेट लॉस होगा, ये मैं नहीं करूँगी, बिकॉज जैगरी भी शुगर ही है. सो मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि वो शुगर नहीं है, बट जैगरी के एक अलग ही अपने आप बेनिफिट्स है जो आपके हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है. बट यस, कम्प्लीटली मैं ये नहीं यू नो इनक्रेज करूँगी आपको कि आप जैगरी ले रहे तो आपका यू नो वेट लॉस होगा. ओके, सो इसे मैं अच्छे से प्लेटिंग करूंगी एंड देन आपको फाइनल दिखाऊंगी. ओके, एस्पेरागस मैं ले रही हूँ यहाँ पे. एस्पेरागस को मैं हाई फ्लेम पे टोस्ट करूँगी एटलीस्ट फॉर 2 to 3 minutes. Okay. I hope you. Yes. Yes. How to recover muscle soreness? Muscle soreness. So muscle soreness के लिए आप glutamine ले सकते हो. You know, उससे अगर आप ये भी क्वेश्चन बहुत कॉमन आता है कि अगर आप बहुत हेवी लेग्स मारते हो या हेवी बैक मारते हो तो दूसरे दिन मसल सोरनेस रहती है. सो इन द नाइट आप ग्लूटामाइन, एक सप्लीमेंट्स आता है, वो आप वाटर में मिक्स करके ले सकते हो, जिससे आपको अच्छी नींद आएगी और एट द सेम टाइम आपके मसल्स भी रिकवर होंगे. और एटलीस्ट 8 to 9 hours आपको नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मसल रिकवरी के लिए, क्योंकि जनरली यू नो स्टार्टिंग में हम जब वर्कआउट करते हैं तो हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं और बैक टू बैक रोज़ वर्कआउट करते हैं, और उसकी वजह से जो हमारा वर्किंग मसल है उसको रेस्ट नहीं मिलता है और वो सोर ही रहता है. सो उसके लिए आपको 8 to 9 hours यू नो नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज लोग ऐसा सोचते हैं कि जिम में वर्कआउट करने से मसल बनते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं. जिम में सिर्फ आपके मसल टेयर होते हैं, मसल वर्क होते हैं, बट वो डेवलप होते हैं और वो जब बढ़ते हैं तो वो नींद में ही बढ़ते हैं. सो आपको 8 to 9 hours आपकी रेस्ट लेना बहुत ही जरूरी है. ओके, और हमारे एस्पेरागस बनके रेडी है, उसे हम प्लेट में निकाल के लेंगे अभी.
इसके साथ सर्व करेंगे हम हेल्दी सैलड एंड and our sweet potato. Garnishing के लिए little bit dill leaves. Let's have a closer look. और ये हमारा मेन कोर्स बनके रेडी है. जनरली ये मैं ईयर अराउंड हमेशा यही खाती हूँ. सालमन हमेशा मेरे मील में नहीं रहता है, बट बाकी की जो चीज़ें आप देख रहे हैं, स्वीट पटेटो, वेजीज़, ये मैं हमेशा खाती हूँ. और सालमन की कभी अगर सालमन अवेलेबल नहीं रहेगा तो उसके बजाय यू नो एग वाइट्स रहते हैं, चिकन रहता है, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, बासा रहता है उसमें, टिलापिया फिश रहता है. सो एक मील में यू नो कंप्लीट मील होने के लिए उसमें प्रोटीन होना चाहिए जो हमने लिया है सालमन, कार्ब्स होने चाहिए जिसके लिए हमने लिया है स्वीट पोटैटो, फाइबर होना चाहिए जिसके लिए हमने लिया है यू नो एस्पेरागस एंड वेजीज. सो ये है कंप्लीट मील. आई होप यू गाइज दिस लाइक एंड यू नो आपको कोई भी क्वेश्चन है इस मील के रिलेटेड या जो भी, प्लीज़ आप मुझे पूछ सकते हैं. सो यहाँ पे मैंने तीन रेसिपीज आपको दिखाई, ब्रेकफास्ट, स्मूदी एंड सालमन. ये है आप हमारा मेन कोर्स, मेन मील. ये ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं आप एंड दिस इज वेरी हेल्दी, माय फेवरेट स्मूदी. सो वी आर रैपिंग अप गाइस एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग यू नो फिटनेस, फील फ्री आस्क मी. तो नेचर बास्केट की तरफ से मुझे ये यू नो गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है. उन्होंने यू नो गिफ्ट स्टूडियो नया रेंज यू नो लॉन्च किया है, उनकी तरफ से मुझे ये अमेजिंग गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है. अगर आपको आपके लव वंस को कोई ओकेजन पे या यू नो उन्हें गिफ्ट हैम्पर देना है तो आप यहाँ पे आके कस्टमाइज गिफ्ट हैम्पर आपका बना सकते हैं. जनरली हम यू नो गिफ्ट जो है चॉकलेट्स देते हैं, स्वीट देते हैं, मिठाई देते हैं. सो उससे यू नो हम उन्हें इनक्रेज करते हैं कि वो स्वीट खाए एंड यू नो स्वीट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, यू ऑल नो दैट. सो हम उन्हें यू नो हेल्दी ऑप्शंस, अल्टरनेटिव हेल्दी ऑप्शंस, इसमें बहुत सारे हेल्दी ऑप्शंस है, आप ये गिफ्ट हैम्पर उन्हें दे सकते हैं ताकि हम उन्हें यू नो हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए उन्हें इनक्रेज करें. सो थैंक यू सो मच नेचर बास्केट फॉर गिविंग मी दिस अमेजिंग अमेजिंग हैम्पर.